वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ, आप जी दे निमित ये बेनती है, ये बेनती गुरुद्वारा प्रभ मिलने का चाहो। गुरु सर कहो कि सच नो वड्याई विचार गुरमत मैडिटेशन वालों, जो कि भाई सपाई सेवा सिंह जी तरमाला उन्हों तो वरोसाए गए गुरमुख प्यारे भाई सपाई धर्मजीत सिंह जी गुरु सर कहो कि जिन्हों तो इस गुरु घर की सेवा मालिक आप लै रहे ने और उन्हां द्वारा अपनी किरत कमाई अते गुरु रूप संगत दे सहयोग दे नाल जो भी इमारत ये दीवान हाल समूह संगत दे सुशोभित होने लई बन रही है उहदे प्रति आप सब संगत नूं वेरवा देना है जी। सो गुरमुख प्यारियो, ये जो स्थान है सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के प्रकाशमान दे लई ये बनिया है। उहदे तो अगे कीर्तनी जत्थे लई इधर स्टेज बनी है। सो ये जो भी सेवा आप सब संगत ने भेजी है, सो समूह संगतां दा कोटान कोट धन्नवाद है जी। सो इहदे तो अगली जो सेवा है वह गुरमुख प्यारे इत्थे जो दीवान हाल दे विच फर्श लगन की तैयारी है अते जो ये सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ने जिथे आप विराजमान होना है इस स्थान नूं बिल्कुल एक शाही रूप दे विच तैयार किया जाएगा और इसी स्थान दे उपर जो ये सतगुरु श्री ग्रंथ साहिब महाराज के प्रकाशमान आसना दे लई बिल्डिंग बनी है उहदे उपर सतगुरु श्री ग्रंथ साहिब महाराज का सुख आसन होएगा। इस रूम की भी जो डायमेंशन है वह 15x15 स्क्वेयर फुट है गुरमुख प्यारियो, इहदी भी बिल्कुल तैयारी है जिथे कि संगतां जो सतगुरु श्री ग्रंथ साहिब महाराज सुख आसन होणगे ना इत्थे भी प्रकाशमान किया जा सकता है। सो खुला डुला इत्थे बैठ के संगतां लाहा लै सकदियां ने। सो जो भी संगतां अपने वल्लों तिल फुल भेटावां भेज रहियां ने, सो उन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद है जी। गुरु रूप संगत दा सब तो वध धन्नवाद अकाल पुरख वाहिगुरू जी दा जो अपना प्रचार आप अपने बच्चों तो करवा रहे ने और समूह संगतां नूं ये उपराला सेवावां भेजण दा उद्यम बख्शिश कर रहे ने। दूसरी बेनती गुरमुख प्यारियो, जो आप सब संगतां ने सहयोग दिता है डेयरी फार्मिंग दा जो उपराला है गुरु घर दे विच ऑर्गेनिक खुराक ते ये जो डेयरी फार्मिंग है आप सब संगत दे नाल सहयोग नाल सफलतापूर्वक चल रही है। दूसरे पासे जो वाशरूम बीबिया वास्ते और सिंघा वास्ते पूर्ण रूप दे विच तैयार ने, सो आप सब संगतां दा बहुत बहुत धन्नवाद जी जो इस गुरु घर दी सेवा दे विच आप सहयोग दे। वाहिगुरू जी का खालसा।